नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बांगरमऊ उन्नाव से मुहर्रम के 7वीं तारीख को शहीद दाने करबला की याद में दरगाह शरीफ और कस्बा टोला से तख्त के जुलूस उठाए गए। दोनों जुलूस एक साथ गश्त करते हुए मध्य रात करीब 2 बजे मोहल्ला सराय पहुंचे। यहीं पर दोनों ने पड़ाव किया। आज मुहर्रम की 8 तारीख को सुबह 10 बजे पुनः दोनों जुलूस उठाए गए। दरगाह शरीफ का जुलूस नाना मऊ रोड से मेमरान टोला और सैयद वारा होते हुए अपने इमाम चौक पर पहुंचकर समाप्त हुआ, जबकि कस्बा टोला का जुलूस हरदोई उन्नाव रोड चूरी वाली गली वटसपुरी मुकड़ी याना गुलाब मुस्तफा और हटिया होते हुए अपने इमाम चौक पर जाकर समाप्त हुआ। आज 8 तारीख को अकीदतमंदों ने जगह जगह स्टॉल लगाकर तबर्रुक तकसीम किया। जुलूस में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी शामिल हुए। इस मौके पर मोहसिन रजा ने कहा कि मुहर्रम का महीना हमें हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की अजीम शहादत की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम की 10 तारीख को नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों और अपने परिवार के साथ मजहब इस्लाम को बचाने, हक और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए शहीद हो गए थे। लिहाजा 10 मुहर्रम को पैगंबर इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद ताज़ा हो जाती है। उन्होंने कहा कि दरअसल करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हर धर्म के लोगों के लिए एक मिसाल है। यह जंग बताती है कि जुलूस के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे इसके लिए सर ही क्यों ना कट जाए। हक और सच्चाई के लिए जालिम के सामने भी खड़ा हो जाना चाहिए। इस दौरान जोगीकोट के अंजुमन इस्लामिया ने दोहे पढ़कर मातम भी किया, जिसमें मोहसिन रजा भी शामिल हुए। जुलूस में चेयरमैन इजहार खान, जुबेर हाशमी, बबलू खान प्रधान, मौलवी जमील अहमद, सभासद मोहम्मद अफाक, मोहम्मद हाफिज, उमाशंकर यादव आदि शामिल हुए। उधर मोहल्ला पूर्विया टोला स्थित ककड़ी शाह बाबा की मजार पर सुबह से लेकर मध्य रात तक अकीदतमंदों ने चिराग चढ़ाकर मुरादें मांगी। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।